तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा क्षेत्र है। मुझे तो आपकी बात उचित नहीं लगती। मैदान जैसे स्थान पर सबका समान अधिकार होता है। चलो, यदि आप अपनी शक्ति सिद्ध कर देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, तुम बालक लोग मुझसे खेलोगे? अरे मैं छोटी उंगली से तुम सबको हरा दूंगा। क्या हुआ, आप तो सर्वशक्तिशाली है ना? जीभ कैसे बाहर निकल आई? मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आपको यहाँ जो कुछ करना है करो, हम आप लोगों को कभी तंग नहीं करेंगे। अपने से बड़ा होने का कितना अभिमान था उसे, देखा हार कर कैसे विनम्र हो गया। और जीत तो तब हुई जब मैंने गिल्ली को हवा में उछाला। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। तुझे कुछ हुआ? दो तीन की टोली बनाकर फैल जाओ। चलो चलो अब कहाँ जाओगे चूहो? ये क्या हो रहा है? कहाँ जाओगे हैं? अब भागो, काफी उत्पात मचाया तुम सबने। अब मैं तुम सबके माता पिताओं से तुम्हारी शिकायत करूंगा। गणेश जी, आपकी शिकायत के लिए मुझे कैलाश पे जाना पड़ेगा। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु हम तो केवल ऋषि को। आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है, किंतु अब आप हमारी बात सुनिए, आपको दंड मिलेगा। आप जाकर पौधों में पानी देंगे और आप सब रसोई का कार्य करेंगे और आप गुरुकुल में सफाई करेंगे, समझे? जाओ अपना अपना कार्य करो। वो देखो मित्र चूहा। चूहा कहाँ भागते हो चूहे के पीछे? ये मूषक बार बार मेरे ही पास क्यों आ रहा है? क्या बात हो सकती है? भगदड़ मचा दी इन्होंने। ऋषि पिपलाद जी, ऋषिवर, मुझे नहीं लगता कि ऋषि पिपलाद के बिना हम इन उधमखोर बच्चों को वश में कर पाएंगे। हमने सोचा था प्रधानाचार्य पिपलाद के जाने के बाद हम यहाँ कड़ा अनुशासन ला सकेंगे।
किंतु यहां तो स्थिति विकट होती चली जा रही है। ऋषि संवर्त, अब समझ में आ रहा है कि प्रधानाचार्य का पद संभालना इतना सरल नहीं है। सोचा नहीं था कि हम ऋषि पिपलाद की प्रतीक्षा करेंगे। ईश्वर करे कि उनकी तपस्या जल्द पूर्ण हो, वो यहाँ आए और इन दानवों को अपने वश में करें। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अभिमान असुर के आगमन से धरती डोल जाती है, पर्वत हिल जाते हैं। किंतु ये कौन है जो मेरे आने से विचलित नहीं हुआ? ओम ब्रह्माय नमः। गदीची पुत्र पिपलाद, महाऋषि महातपस्वी। किंतु फिर मैं हूं। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप हो रहा है। ओम ब्रह्माय नमः। ये मुनिवर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर पाते हैं या नहीं? और यदि कर लिया तो इन्हें मिला वरदान इनसे अधिक मेरे उपयोग में आएगा। ब्रह्मा मैं तो फिर मैं हूं। ओम ब्रह्मा। अपनी अपनी कक्षाओं की ओर प्रस्थान करो। चुपचाप कहीं जाकर छुप गया होगा वो मूषक, जहाँ भी होगा उत्पात मचा देगा। अब वो कोई उत्पात नहीं मचाएंगे। चलो अपना पाठ पूरा कर बाकी काम निपटा लेते हैं। आज हमने गुरुदेवों को बहुत कष्ट दिया है ना? तुम सब आगे बढ़ो, मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ हो तुम मित्र मूषक? कहाँ हो तुम? ये रहे गणेश। आओ मित्र, कहो क्या संकट है? गणेश जी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कृपया सहायता करें। मैं जिस वन में रहता हूँ वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ जैसा दैत्य आया और चलते चलते मेरे पूरे परिवार को पैरों तले कुचल के मार डाला उसने। मुझे आपसे न्याय चाहिए गणेश, न्याय। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ मित्र। जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, किंतु आश्वासन अवश्य दे सकता हूँ। मैं उस असुर को दंड देकर न्याय दिलाऊंगा तुम्हें। और मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। स्वामी, कौन है जो इस असहाय प्राणी पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है? कौन है ये निर्दय? उसका नाम अभिमानासुर है पार्वती। पार्वती, अभिमान होते ही
हम दुर्बलों को कष्ट देना अपना अधिकार समझने लगते हैं। दया, क्षमा और विनय जैसी भावनाओं को छोड़ हम केवल स्वयं पर गर्व करने लगते हैं। ऐसा गर्व जो केवल दूसरों का ही अपितु स्वयं का भी घात करता है। यदि गणेश का विमान असुर का उद्धार करना तो उसके शरीर पे नहीं अपितु उसके मस्तिष्क पर प्रतिकार करना होगा। अभिमान की भावना को उसके मन से मुक्त करते वो एक क्षण में क्षीण हो जाएगा और अंत में पूर्णता नष्ट हो जाएगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। विश्व के निर्माता स्वयं ब्रह्मदेव को हमारा शत शत प्रणाम। पिपलाल, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। हमें दर्शन देने आना ही पड़ा। कहो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, हमें अपने मन की दुर्बलता का अनुभव हुआ और इसी कारण हमने ये तप करने का निश्चय किया। हमें वरदान दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप पर संयम रख सके। संयम हमारे भीतर होता है पिपलाल, ये हमें कोई दे नहीं सकता। इसे हमें स्वयं ढूंढना पड़ता है। किंतु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहते हैं, सर्व काम सिद्धि का वरदान। जो तुम चाहोगे वो पाओगे पिपलाल। ऋषि पिपलाद नहीं, मानसुर जो चाहेगा वो होगा। यदि ऐसा योगी पुरुष मेरे वश में आ जाए और अहंकारी बन जाए तो? दीति पुत्र बनकर जन्मे हो, क्या सौभाग्य पाया। सबसे उज्जवल ऋषि नहीं महर्षि बने। महर्षि तुम्हारे समक्ष सभी ऋषि नतमस्तक होते हैं। सर्वोत्तम गुरुकुल का निर्माण किया, उसके प्रधानाचार्य बने, इससे ऋषा नहीं हो? और अब तो साक्षात ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। आहा, सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ ऋषि महर्षि पिपलाद, सारा संसार इसी उपाधि से संबोधित करेगा तुम्हें।
सूर को चंद्र, धनी को निर्धन और ज्ञानी को अज्ञानी बना सकते हो। जरा सोचो महर्षि पिपलास, जरा सोचो कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसा महान ऋषि और ऐसी दुर्दशा। अरे कल से मैं नहीं, कल से आप मैं ही मैं हो जाओगे। हाँ सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ ऋषि। सर्वश्रेष्ठ ऋषि पिपलाद की ये दशा, अभी दिखाता हूं। आपका सहर्ष स्वागत है ऋषि पिपलाद। प्रधानाचार्य जी, हम सब आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो गए थे। होंगे ही, मेरे अतिरिक्त और किसमें क्षमता है इतना बड़ा गुरुकुल चलाने की। मेरे पीछे मेरे गुरुकुल की क्या दशा हुई है देख रहा हूं मैं। स्मरण रहे, ये मेरा गुरुकुल है, केवल मेरा। सारे ऋषिगण आचार्य कक्ष में आ जाए, मैं कुछ विशेष वार्तालाप करना चाहता हूं। ये आदेश है प्रधानाचार्य का। प्रधानाचार्य जी को क्या हुआ? ढंग से बात भी नहीं की। आश्चर्य किस बात का, मैं तो उच्च स्थान पर ही बैठूंगा। तुम सबसे अधिक ज्ञानी अधिक बुद्धिमान हूं मैं, और अब तो ब्रह्मदेव से सर्व कार्य सिद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है मुझे, जिसका प्रयोग मैं सर्वप्रथम गुरुकुल पर करूंगा। काया ही पलट दूंगा मेरे गुरुकुल की। अति उत्तम, ऐसे ही नहीं आप इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं, इस गुरुकुल को राजमहल जैसा होना चाहिए। अत्यधिक सुंदर, आरामदेह, प्रशस्त। सारा गुरुकुल स्वर्णमयी हो। ये तो सोना है, हर तरफ सोना है।
ये कोई स्वप्न तो नहीं? दीवारों को कोई स्पर्श नहीं करेगा। साहस कैसे हुआ तुम्हारा इसे स्पर्श करने का? देखते नहीं, स्वर्ण गुरुकुल है ये, मेरा स्वर्ण गुरुकुल। यदि किसी भी वस्तु को क्षति पहुंचाए तो उसी क्षण तुम्हें गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। अब यह कड़ा अनुशासन होगा, कोई लाड़ प्यार नहीं। सुना क्या कहा? गणेश, ये क्या हुआ प्रधानाचार्य को? हमने तो सोचा था कि प्रधानाचार्य पिपलाद आएंगे तो दूसरे ऋषियों के दंड से बचाएंगे, किंतु प्रधानाचार्य पिपलाद तो दूसरे ऋषियों से भी कठोर होते जा रहे हैं। तीन तीन साल तक हम बालकों को क्यों पढ़ाएं? 62 कलाएं 3 महीने में पढ़ाकर बालकों की छुट्टी कर देते हैं। हर 3 महीने में एक नया सत्र, इससे आपको भी लाभ होगा। अत्यधिक शिष्यों को तैयार करने में आप जाने जाएंगे। गुरुकुल का खर्चा भी कम होगा ऋषिवर। उत्तम, अति उत्तम। जी ऋषिवर, इससे भी उत्तम विकल्प है हमारे पास। क्यों ना हम अत्यधिक से अत्यधिक धनवान बालकों को इस गुरुकुल में प्रवेश दें, हैं? वो अत्यधिक से अत्यधिक गुरु दक्षिणा इस गुरुकुल को देंगे, जिससे गुरुकुल धन धान्य से परिपूर्ण होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि संवर्त? ये हमारे गुरुकुल का मूल सिद्धांत है। यहाँ सभी बालकों को निष्पक्षता से पढ़ाया जाता है। इस तरह का पक्षपात अनुचित है। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय मैं करूंगा ऋषि ऋषनेमी। ऋषि संवर द्वारा दिए गए सुझाव मुझे पसंद आए। इससे मैं केवल ज्ञानी नहीं, धनी ऋषि भी बन जाऊंगा। अभिनंदन ऋषि पिपलाद, तुम में जो अहंकार जागा है ये तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा, क्योंकि अब तुम मैं ही मैं हो गए हो। तो मेरी पीठी दर्द करने लग गई। इसी कारण तो मैं यहाँ आया हूँ। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमारा शयन कक्ष ही नहीं है। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि पिपलाद रोटियां भी सोने की बनवाए और हमें वो खानी पड़े। यहाँ हमें पीड़ा हो रही है और तुम व्यंग का आनंद ले रहे हो। मुझे तो घर की भी याद कम आती है। कितना मजा आता था गुरुकुल में, किंतु अब नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है इस सोने के कारावास से जल्द ही मुक्ति मिल जाए। हाँ, किंतु अब तो दो महाबाकी है मित्रों। ये सब तो निराश होने लगे हैं। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। पार्वती पुत्र गणेश बाहर खड़े, इन्हें सर में चढ़ाना। हे
प्रणाम। मेरे गुरुकुल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाओ, किले जैसे, और अंदर सुंदर बगीचे, क्योंकि क्योंकि आप ही आप हैं। हो जाएगा। प्रणाम प्रधानाचार्य जी। प्रणाम। क्या है? हम एक बार अपने माता पिता जी से मिलना चाहते हैं, क्या मुझे इसकी अनुमति है? आ जाओ जाओ। अब जब मैं यहाँ हूँ तो और किसी के होने की आवश्यकता नहीं, जहाँ जाना है जाओ। अभिमानासुर से प्रभावित होकर वो पूर्णतः बदल गए हैं माँ। वो गुरुकुल तो उनके लिए एक ज्ञान का मंदिर था, किंतु अपने अहंकार में वो उसे सोने का महल बना रहे हैं। और जिन शिष्यों को पुत्रों की तरह प्रेम करते थे, उन्हें तो दास से भी ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। मैं क्या करूं पिताजी? कने, तुम्हारी समस्या का निदान बहुत ही सरल है पुत्र। ऋषि पिपलाद को यह अभिमान कि सर्व काम सिद्धि का वरदान ब्रह्मदेव ने केवल उन्हें ही दिया, तुम बस उनका यह अभिमान तोड़ दो। अर्थात कोई और भी है जिसे ये वरदान मिला है? तुम्हारे जैसा ही एक बालक है पुत्र। जो किसी कड़े तप के समान अपने माता पिता की सेवा करता है, और इसलिए ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे भी यही वरदान दिया। मैं इस बालक को ढूंढ निकालूंगा पिताजी। आज्ञा दीजिए माँ। पुत्र, क्या एक बार हमारे साथ कैलाश नहीं चलोगे? नहीं माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि शिक्षा ग्रहण करके ही कैलाश लौटूंगा। और आप तो जानती ही है ना, एक बार जो हमारे पुत्र ने वचन दे दिया तो दे दिया। कल्याण हो पुत्र। अरे, तुम सब अपना सामान लिए कहाँ जा रहे हो? प्रधानाचार्य जी ने गुरुकुल की शिक्षा में शुल्क लगा दिया है। क्या? हाँ मित्रों, और हम ये शुल्क नहीं दे सकते, इसलिए प्रधानाचार्य ने हमें इस गुरुकुल से बाहर कर दिया है। तुम सब कुछ और प्रतीक्षा करो, मैं वचन देता हूँ सब पुनः जैसा हो जाएगा। कि मैंने जो एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। ये लीजिए ऋषिवर, मैंने आपके लिए विशेष अति स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। अब आप इतने धनी हो गए हैं कि आपको इस प्रकार का ही भोजन करना चाहिए। एक आप ही है समस्त ब्रह्मांड में जिसे ब्रह्मा जी का इतना बड़ा वरदान प्राप्त है। नहीं प्रधानाचार्य जी, ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? प्रधानाचार्य जी, आपसे पहले भी किसी को ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया है,
और वो भी बिना किसी तप जाप के। असंभव। मैंने जो तपस्या की है वो और कोई नहीं कर सकता। तभी तो ब्रह्मदेव ने मुझे ये असाधारण वरदान दिया है। और किसी को ये बिना जप तप के मिले हो ही नहीं सकता। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो स्वयं चल कर देख लीजिए। आइए। नहीं पिपला, नहीं। मन में शंका कैसी? तुम ही सर्वशक्तिशाली हो। ये वरदान किसी और को नहीं मिला। मत भूलो, आप ही मैं ही मैं हूँ। आचार्य, लगता है आपको भय लग रहा है कि आपके पास जो असामान्य वस्तु है, यदि वो किसी और के पास हो तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हम नहीं चलते। रुको गणेश। जी, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन है जिसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हुआ है। आइए विधान जाने। चलो यहाँ से, गणेश की बात मत सुनो। गणेश, यदि ऐसा कोई ना हुआ तो इस कष्ट के लिए तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। प्रधानाचार्य जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, मैं कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। ये है वो आचार्य, इनका नाम है तपोदन। के समान सर्व कार्य सिद्धि का वरदान मिला है। इतनी कम आयु में? किंतु कैसे? स्वयं ही देख लीजिए। दिन रात केवल अपने माता पिताजी की सेवा करते हैं, बिना किसी शिकायत के। ये भी किसी तप से कम तो नहीं ना? किंतु यदि इसे ये वरदान मिला है तो ये प्रयोग क्यों नहीं करता? करते हैं प्रधानाचार्य, किंतु स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये चाहे तो अपने माँ पिताजी की देखभाल करने हेतु कितने दास रख सकते हैं, किंतु वो दास इतने प्रेम और आदर से इनकी सेवा तो नहीं करेंगे ना। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही होता है जो शक्तिशाली होने के बाद भी नहीं बदलता, स्वार्थी नहीं होता। जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति होकर भी वो विनयशील होता है, क्योंकि उसमें घमंड नहीं होता। जन्मदाता से, आश्रम के सारे ऋषियों और बालकों से क्षमा मांगते हैं। हम
हमारे तप से भी बड़ी तपस्या है माता पिता की सेवा करना, क्योंकि उसमें निस्वार्थ प्रेम होता है, वही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ये भौतिक सुख नहीं, हम स्वयं को इस वरदान के लिए योग्य नहीं समझते, क्योंकि हमने इसका प्रयोग स्वार्थ के लिए किया, परोपकार के लिए नहीं। कितने अभिमानी हो गए थे हम। प्रधानाचार्य, मैं आपको पीड़ा नहीं देना चाहता था, केवल अभिमानासुर के प्रभाव से मुक्त करा रहा था। अब तो आप निसंदेह सर्वोत्तम हैं। अरे मित्रों, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो। हाँ हाँ चलो मित्रों। मीठा मुख पाओ सुख। ज्ञात होता है कि ऋषि पिपलाद अहंकार से मुक्त हो गए। गुरुकुल गुरुकुल स्वर्ण से मिट्टी हो गया फिर से। प्रधानाचार्य जी, मैं बस छोटा सा काम करके आता हूँ। अब समय आ गया है विमानासुर तुम्हारे अभिमान को चूर चूर करने का। प्रधानाचार्य के केश से तो गिर पड़े, अब कहाँ छुप कर बैठे हो अभिमानासुर? मैं अहंकार हूँ, मैं किसी से क्या डरूंगा और कोई मुझे क्या डराएगा? यदि इतने प्रभावी हो तो आके लड़ो मुझसे। तुम्हें ऋषि प्रहलाद के केश पर बैठे देख लिया था मैंने। देख लिया था तो बहुत चतुर समझते हो तुमको। आज तुम्हारी चतुराई एवं सामर्थ की परीक्षा होगी। जानते हो, मैं संसार का सबसे वीर और महाबली योद्धा हूँ। आओ मुझ पर प्रहार करो, देखो तुझमें कितना सामर्थ्य और कितनी शक्ति है। आओ। Ah!
अब तृप्ति की तो अनुभूति ले ले दो। अभिमानासुर अभिमानासुर, तुमने मेरे पिता समान गुरु पर अपना प्रभाव डाला। तुमने अपनी सभी सीमाओं को लांघकर उन्हें अहंकार में डूब अपने आदर्शों के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित किया। तुमने जो किया तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा क्षमा श्री गणेश क्षमा, मैंने अच्छा अच्छों को प्रभावित किया किंतु आपको स्पष्ट तक नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए श्री गणेश। दंडता और दुष्टता के लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ बीमारा सर, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु फिर कभी मेरे रहते अपनी कुदृष्टि डालने की चेष्टा भी मत करना। अभिमानासुर का उद्धार करने हमारे पुत्र गणेश को धूम्रवर्ण अवतार लेना पड़ा। देखा पार्वती कितना प्रभावी होता है यह अभिमान, किंतु इसका प्रतिकार करना अति आवश्यक है। यदि अहंकार ने एक बार मन में स्थान बना लिया तो किसी और भावना के लिए स्थान शेष नहीं रह जाता, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता उसका भ्रम ऐसे ही टूटता।